Hey guys, welcome back to my channel. तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि हमारा रैंडम प्लान बना है और हम जा रहे हैं घूमने. बेसिकली घूमने नहीं, मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने. और कहाँ जा रहे हैं बाकी ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहें एंड तक, तो आपको पता लगेगा. और आप भी हमारे साथ चलो, मज़े करेंगे, बहुत मज़ा आए. हम पहुँच चुके हैं सीटी और अभी हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर, क्योंकि हम बस से आए थे इसलिए हमें थोड़ा सा पैदल चलना पड़ रहा है. नहीं, हम खोए नहीं है, हमें रास्ते पता है, बस स्टैंड से थोड़ा जाना पड़ता है पैदल चल के. तो गाइस, पहले हम हनुमान मंदिर ना जाके हम गए गौरी शिव शंकर जी का मंदिर, जो कि हनुमान मंदिर से ठीक थोड़ा सा पहले ही है. और इसके साइड में गणेश जी का मंदिर है, तो हमने दोनों जगह दर्शन करे. तो यहाँ पे लिखा हुआ था ओम नमः शिवाय, आप लोग भी कमेंट में लिख देना ओम नमः शिवाय. और यहाँ पे हमने सारे भगवान जी के दर्शन करे और मैंने आपको भी कराए हैं साथ साथ, तो आप लोग भी दर्शन कर लेना. गणेश जी, शिव जी, नंदी जी और सबके दर्शन आप लोग कर लेना. हमने प्रसाद लिया और उसके बाद मैंने आपको मंदिर का ओवरव्यू थोड़ा सा दिखा दिया है कि मंदिर कैसा है. और फिर उसके बाद हमने करे राधा कृष्ण जी के दर्शन और लड्डू गोपाल जी के, तो आप लोग भी कर लेना. और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे. तो गाइस, हमने दर्शन करे हैं गौरीश मंदिर के और गणेश जी के मंदिर के. दोनों मंदिर साइड साइड में ही हैं, हनुमान मंदिर से थोड़ा सा पहले है. तो अगर आप आओ तो ज़रूर दर्शन करना है, और अगर आपने कर रखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है. अब हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर और मंदिर के अंदर जितना भी कैप्चर हो सकता है मैं कर ले रही हूँ, बाकी मंदिर के अंदर तो वीडियो शूट करना अलाउड नहीं होता है. गाइस देखो, 8 बजने वाला है और हम खड़े हैं हनुमान मंदिर पे और लाइटनिंग कितनी सुंदर लग रही है. आरती हो रही थी इसलिए बाकी का जितना भी मंदिर था हमने वहाँ पे दर्शन कर लिए भगवान जी के, और मैंने आपको भी साथ साथ दर्शन करवाए हैं, तो आप भी कर लेना. और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आप यहाँ पर आए हुए हो पहले भी या फिर काफ़ी बार आए हुए हो. और इससे बहुत ही प्यारी प्यारी सी आवाज़ आ रही थी, बट मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है. और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी आरती की वजह से, और संडे था इसलिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, शायद मंडे को देखोगे. तो यहाँ पे हमने दर्शन करे और मैं यहाँ पे हो गई थी मुझे फिर मैंने इसे बजाया. और उसके बाद हम अंदर गए और मैं आपको यहाँ पे भी भगवान जी के दर्शन करवा रही हूँ. बहुत ही मुश्किल से ये वाली वीडियो शूट हुई, आप देख भी सकते हो कैमरा कितना ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि बहुत भीड़ हो रही थी, तो आगे रुकने नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी, दर्शन करो और निकल जाओ. तो गाइस, हनुमान जी के दर्शन हो चुके हैं और मेरे को टीका भी लग चुका है. बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आरती का टाइम था और इस टाइम भीड़ हो भी रही है काफ़ी क्योंकि मंदिर बंद होने वाला है. और मैं पता है वैसे तो काफ़ी बार आई हुई हूँ यहाँ पे, बट मैं रात के टाइम पे फर्स्ट टाइम आई हूँ और ये हमारा रैंडम प्लान था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. अब हम खाने जा रहे हैं कचौड़ी. तो यहाँ पे एक फेमस शॉप है कचौड़ी की हनुमान मंदिर के ठीक साइड में, मैं आपको भी दिखाती हूँ बैक कैमरे से. बट आज हम खाएंगे कहीं और की, तो मैं वो जगह भी दिखाऊंगी अभी आपको. पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ जो फेमस है. तो गाइज, ये शॉप ठीक हनुमान मंदिर के साइड में है, श्री हनुमान कचौड़ी, और इसके साइड में लस्सी भी मिलती है, तो इस वाले शॉप से आप लोग खा सकते हैं. इसका नाम है काकू कचौड़ी वाले, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं. मुझे वैसे कचौड़ी पसंद नहीं है लेकिन मैं हाँ टेस्ट जरूर करूँगी. बहुत सारे बंदर हैं तो अपना सामान ध्यान से रखना. और ये रहा काकू कचौड़ी वाले, यहाँ पे लिट्टी चोखा वाले अंकल खड़े हैं. तो अगर आपको लिट्टी चोखा खाना है तो आप हनुमान मंदिर पर आकर खा सकते हैं, लेकिन अंकल ये शाम के टाइम पर खड़े होते हैं तो आप शाम के टाइम पर आकर खा सकते हैं. तो गाइस, अब हम जा रहे हैं बंगला साहिब, और मैं बंगला साहिब भी वैसे काफ़ी टाइम आई हूँ, काफ़ी बार आ चुकी हूँ सॉरी, लेकिन फर्स्ट टाइम फिर से मैं रात के टाइम पर फर्स्ट टाइम आ रही हूँ. सीपी में मैं फर्स्ट टाइम ही रात के टाइम पर आ रही हूँ. आ सकती थी लेकिन कभी आना नहीं हो पाया, बट ये रैंडम प्लान है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है.
भगवान जी के दर्शन भी काफी टाइम बाद करे हैं सीपी में आके। और भाई सब ऑटो में गए हैं हनुमान मंदिर से बंगला साहिब तक, मैं और मेरा भाई हम जा रहे हैं पैदल। बंगला साहिब में भी शूट कर ही लिया और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे यहाँ पे, तो मैंने अपने पैरों को भी कैप्चर कर लिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम लेते हैं यहाँ से एंट्री और ये झूमर सुंदर सा, और यहाँ पे बाबा जी तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको भी दर्शन करवा लिए। बहुत ही मुश्किल से मैंने ये वीडियो शूट करी थी लेकिन आपको दर्शन मैंने करवा दिए। गाइस बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है और हम लंगर खाने आए हैं। काफ़ी जल्दी नंबर आ गया, मतलब हमें बिल्कुल भी 5 मिनट वेट भी नहीं करना पड़ा मुश्किल से, तो थैंक्स टू गॉड। लोगों को एक बात और बताती हूँ, जब मैंने रोटी और दाल की वीडियो ले ली थी लंगर में, उसके बाद आलू मटर की सब्जी आई थी, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। वैसे दाल रोटी तो अच्छी लगती है लेकिन आलू मटर की सब्जी और भी ज़्यादा टेस्टी थी, बट वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आज। अब हम बंगला साहिब से निकल चुके हैं और हम खा रहे हैं आइसक्रीम और मैंने लिए चॉकोबार। वैसे तो मैं कॉर्नेटो खाना पसंद करती हूँ बट आज मैंने लिए चॉकोबार। गाइस टाइम हो रहा है 11:12 और हम हैं मौजपुर मेट्रो पे, बस घर जा रहे हैं, लास्ट मेट्रो है, घर जाके मिल रहे हैं आपसे और ब्लॉग को वहीं एंड करते हैं। 12 बज चुके हैं और हम घर आ गए हैं, तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और आप लोगों ने बंगला साहिब अगर आप गए हैं या हनुमान मंदिर गए हैं, वहाँ की कचौड़ियाँ खाई हैं या सीपी में जो भी मस्ती करी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मुझे बंगला साहिब जाके बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, लाइक शेयर कॉमेंट कर देना और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।